नमस्कार दोस्तों, स्वागत है 99 सब्लिमेशन यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आप सीखोगे टी शर्ट प्रिंटिंग, कॉर्पोरेट टी शर्ट प्रिंटिंग एंड कॉर्पोरेट वाटर बॉटल प्रिंटिंग। तो इसी के साथ साथ हमारे साथ एक शख्सियत है जिनका नाम, आपका नाम क्या है? देवेंद्र ओझा जी, जो आए हैं एमपी से। एमपी कहां से? जोर जोर से बोलिए ना। एमपी सुपरी से आए हैं और सर जो है ट्रेनिंग के लिए आए थे। जैसा हम कमिट करते हैं, कोई भी क्लाइंट आता है तो दो दिन का फ्री ट्रेनिंग रहता है, दो दो घंटा, या फिर एक दिन पूरा सुबह से शाम तक फ्री ट्रेनिंग रहेगा, सुबह 11 से शाम 5 बजे तक, या फिर दो दिन का दो दो घंटा फ्री है, उसके बाद ट्रेनिंग का चार्जेस लग जाता है। तो इस वीडियो में हम आज आपको दिखाएंगे क्या बोलते हैं, वाटर बॉटल प्रिंट करके, और वाटर बॉटल के साथ साथ मैं टी शर्ट भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप वाटर बॉटल देख सकते हैं, ये अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल जाते वक्त आपको बच्चे लोग अगर स्कूल में रोते हैं कि मेरे को वाटर बॉटल चाहिए पापा, तो आप 99 सब्लिमेशन से लेके बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपल सा काम करना है, सबसे पहले आप बच्चे वाटर बॉटल कैसा पहनते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि बहुत लोग बच्चे लोग वाटर बॉटल गलत गलत तरीके से पहनते हैं। इस वीडियो के बाद आपको वाटर बॉटल पहनना सीखना आ जाएगा। आप लोग कैसा पहनते हैं वाटर बॉटल भाई? आप कैसा पहनते हो? गले में। तो हमारा पहनेंगे हाथ में। देखिए, वाटर बॉटल कभी भी ऐसा पहना जाता है एक्चुअल में। आप लोग कैसा पहनते हैं फिर प्लीज कमेंट में बताइएगा हमें। तो इस वक्त इस वाटर बॉटल, ये सब्लिमेशन पॉलीमर वाटर बॉटल है, क्योंकि ये हीट के जरिए गलेगा नहीं। और जो मशीन हम यूज कर रहे हैं वो है हैवी ड्यूटी हीट प्रेस। आप देख सकते हो रेड कलर का है ये। इसका पैड लगभग हम 4 साल से यूज कर रहे हैं, यही पैड है, पैड हमने चेंज नहीं किया है। और इसके ऊपर जो डिजाइन है, ये डिजाइन हम यूज कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से दो प्रोडक्ट आप सीखोगे, एक है वाटर बॉटल, दूसरा है कॉर्पोरेट टी शर्ट। कॉर्पोरेट टी शर्ट को कैसा प्रिंट किया जाता है इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट टी शर्ट में गलत प्रिंट कर लेते हैं। कॉर्पोरेट में क्या होता है, एक लोगों को यहां लगाना पड़ता है, एक लोगों को चेस्ट पे लगाना पड़ता है, एक लोगों को बैक पे। दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट प्रिंटिंग। कॉर्पोरेट प्रिंटिंग अलग लेवल का प्रिंटिंग है। तो ये दोनों इस वीडियो में मैं आपको पूरा वीडियो देखिए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाइए 99 सब्लिमेशन में, अलग अलग तरीके के वीडियोस देखिए, मोबाइल कवर प्रिंटिंग, टी शर्ट प्रिंटिंग, कॉटन टी शर्ट प्रिंटिंग। तो सर आप बताइए, दो दिन हुआ, दो दिन में क्या क्या सीखा आपने, व्यूअर्स को बताइए, जोर से बताइए। टी शर्ट प्रिंटिंग करना, मग प्रिंटिंग करना, हाँ ये चीजें सारी सीखा है ना आपने, समझ में आया है ना? अभी तो सर को समझ में आया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या है बोलिए तो? आप जब अपना गाड़ी लेके चलाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे। अभी तो सर मेरा गाड़ी में चला रहे हैं, मेरा गाड़ी लिए है, गियर उड़ चेंज कर रहे, गियर अटक भी गया तो टेंशन नहीं है। अब जो है सर अपना गाड़ी लेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर प्रिंट करेंगे। इस वक्त लगाइए आप, तो लगाने के लिए शुभम जी रेडी है, आप देख सकते हैं मशीन के अंदर डाल रहे हैं और हंसते हैं बहुत ज्यादा। ये वीडियो देखिए, हमारा ऑफिस का एक सिद्धांत है कि हम लोग कुछ भी हो जाए काम का प्रति जो इच्छा के साथ काम करते हैं। हमारा जो ऑफिस का टाइमिंग रहता है सुबह 10 से हम लोग 7 बजे तक पूरी तरीके से अपना कर्म जो प्रॉपर करते हैं। और हमारे पास कोई भी बंदा आता है विश्व के से कहीं भी, उनको हम दो दिन का ट्रेनिंग देते हैं, दो दो घंटे का। जो एक दिन का ट्रेनिंग लेता है उनको हम एक दिन देते। तो इस वक्त आप देख सकते हो टेम्परेचर जो है हमने 200 डिग्री रखा और टाइमिंग जो है 120 सेकंड। बोलिए, घुमाना भी पड़ेगा यार। हाँ, तो इसको थोड़ा घुमाने का जो आइडिया है वो मिल रहा है, तो हम बोले घुमाएंगे। तो इसका प्रिंट निकाल रहे हैं क्या आप? नहीं, वो निकालना पड़ेगा। तो उसको A4 में सेट करोगे, 50 को सेट करके देगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए। ये वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि आप लोग ये सोचो कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। तो सर बताइए, अभी आप आए हो, ये बिजनेस कहाँ करोगे आप? घर से करोगे या आपका कोई स्टोर है? नहीं सर, और मार्केट से। मार्केट में दुकान है, दुकान में ही लगाओगे? दुकान लोगे आप? ओके। तो सब कुछ समझ में आया है दो दिन में? क्योंकि 10 साल का जो प्रोजेक्ट है 2-4 घंटा में समझ जाते हैं? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम 2012 से कर रहे हैं, 2022 में चला है। 10 साल का चीज जो है 2 घंटा में कोई भी व्यक्ति दुनिया का, मैं खुद समझ नहीं पाऊंगा, है ना? आप क्या समझोगे? दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। तो इसको क्या है, जब तक आप गाड़ी आपका नहीं लोगे, गियर नहीं लगाओगे, तभी तो मेरा गाड़ी ले रहे हो आप, मेरा गाड़ी लेके चला रहे हो आप, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। आप जब अपना गाड़ी लोगे, प्रॉपर लगाओगे, तो ऑटोमेटिकली सब समझ में आएगा। तो इस वक्त आप देख सकते हो बीच बीच में मैं सर का इंटरव्यू ले रहा हूँ और बीच में मग के बारे में, वाटर बॉटल के बारे में बता रहा हूँ, ताकि आप समझो। तो इनको हमने
हर चीज बताया है, लेकिन इनसे प्रॉब्लम ये है कि ये भूल जाते हैं। गजनी पिक्चर आपने देखा है ना, सर भी सेम थोड़ा गजनी लगता है मेरे को, आमिर खान याद आते हैं, क्योंकि सर को क्या है, हमने सब चीज बताया उस दिन, मैं सर को ना पूरा स्टूडियो में दिखाया था प्रोडक्ट, सर वहां जाके बोल रहे मेरे को किचन दिखाओ, मैं ऑलरेडी सर को किचन दिखा, सही बात है कि नहीं बताओ, क्यों ऐसा, क्या गलती क्या हुआ था? और आप मतलब बचपन से भूलते हैं, अभी अभी भूल रहे हैं, यहाँ आके भूल रहे हैं। आप कभी भी कहीं भी आएंगे प्रेशर मत लीजिए, प्रेशर को रिलीज करिए, आप प्रेशर में काम कर रहे हैं, प्रेशर में काम करेंगे जिंदगी में कभी भी काम, आप छोड़ दीजिए ना, टेंशन नहीं लेने का। कल हम लोग गए थे कहाँ एग्जीबिशन, हम लोग मैं सर सतीश था और सर थे, हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, हर चीज निकाल रहे हैं जो जो हम लोग को चाहिए, क्या वहां जाके हम अगर प्रेशर में बोलेंगे ऐसा रहने से होगा क्या? नहीं, वहां जाके हम लोग को बस जानना है, प्रेशर नहीं लेना, आप प्रेशर में हो, मैं देख रहा हूँ आपको, हाँ नींद तो आप, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, ये जब पहला दिन आए थे सुबह मेरे को 6 बजे कॉल कर दिए, और इनका कॉल मैंने फर्स्ट टाइम नहीं उठाया था, ये ऑन रिकॉर्डिंग रहेगा याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम इनका कॉल मैंने नहीं उठाया था, इनको मैं करने से पहले इन्होंने मुझे 6:04 में सेकंड 3 मिनट में सेकंड कॉल कर लिया है, मेरे पास उसका प्रूफ भी है, और मैंने उठा के बोला सर आप मेरा ऑफिस आ जाओ 11 बजे, तो इनको बोला मैं फ्रेश होकर, ये क्या किया था मालूम है, सोए नहीं था आगे, और इनको जो फर्स्ट दिन बता रहे हैं इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, और ये एक ही बात 8-8 बार पूछ रहे, मैंने इनको पूरा यहाँ स्टूडियो घुमा के ले गया, फिर ऑफिस के अंदर कैबिन में, फिर ये भूल गए, फिर खींचे इनका, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज, लेकिन मैं इनको डाटा भी था, किस लिए डाटा था मैं बता रहा हूँ, देखो आप मेरे क्लाइंट हो, डाटा किस हिसाब से डाटा मैं ये भी बता रहा हूँ, उनको मैंने बोला कि सर मैंने आपको किचन दिखाया, तो इन्होंने मेरे को सरासर बोल दिया कि आपने मेरे को किचन दिखाया ही नहीं, बोला था, और मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज था कि मैं तो किचन दिखाया था, आपने मेरे को कैसा बोल दिया किचन नहीं दिखाया। हाँ इनका मेन प्रॉब्लम है, इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स कभी भी आप आते हैं 99 सब्लिमेशन सो नींद पूरा करके आइएगा, आधा नींद में उठ के मत आइए, तो आधा नींद में, और कभी भी आधा नॉलेज लेके मत आइए, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे, हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस, अगर आपको सोच लीजिए आधा नॉलेज कोई भी चीज के बारे में, तो आप कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे। अगर ये बॉटल बनाने इसका आधा नॉलेज है कि ये बॉटल इंजेक्शन मॉडलिंग से बन जाता है, तो आपको नॉलेज पूरा नहीं है, इसमें बहुत सारा चीज रहता है जो आपको समझना पड़ता है। बहुत सारे लोग क्या है, फोन कर देंगे सर बोला मशीन दे दीजिए ना कॉम हम कर लेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लोगे, क्योंकि एंड ऑफ द बिजनेस दो चीज इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन, ये दो चीज नहीं दोगे तो आप बिजनेस में रह ही नहीं पाओगे। आज 10 साल से हम काम कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वक्त आप देख सकते हो मेरे को लगता है वाटर बॉटल जो है प्रिंट हो चुका है ना, तो वाटर बॉटल प्रिंट हो चुका है, थोड़ा थोड़ा आवाज भी आ रहा है, और धीरे से निकालिए, हाँ प्रिंट तो हो गया क्योंकि जल गया है पूरा तरह से पेपर पूरी तरीके से हो गया है, पेपर का कलर भी चेंज हो गया है, निकाल दीजिए, कैसा होगा व्यूअर्स आप कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने हमें बोला था कि सर आप लोग इसके ऊपर वीडियो बनाइए, और ये ऑन डिमांड वीडियो है, बहुत ठंडा है ये बॉटल, इसके अंदर डालिए ना लोटा वाला, खोलिए इसको, मोल्ड आता है, हाँ मोल्ड नहीं है तो हम लोग इसको डाल रहे हैं, इसका एक मोल्ड आता है माय डियर व्यूअर्स, लकड़ी का, हाँ लकड़ी का, जिस कारण से ये गर्म है, रुक जाओ बाद में निकाल लेंगे, पहले डाल देते हैं इसको, हाँ पहले डाल दो ग्लव्स, ग्लव्स चिपक जाएगा इस पे, काला काला नहीं चिपकेगा, अरे हम तो टेफ्लॉन से डालो, हाँ टेफ्लॉन से पकड़ो ना, हाँ दिखा मैं कब, ना रुक मैं निकाल के ला रहा हूं, ले ले इससे देख सकते हो वो गर्म था, तो प्रोडक्ट कहीं ले गया है बगल रूम में, उसका ढक्कन निकालेगा, ढक्कन के अंदर एक्चुअल में उसका एक डाई आता है लकड़ी का, वो डाई नहीं है बोल के हम इसको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसको अंदर डालना है प्रॉपर, उसके बाद उसको थोड़ा हम लोग जो है हीट कर देंगे, हीट नहीं उसको थोड़ा ले जाकर पानी में रख देंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर आपको देखो निकल गया ना, तो इस वक्त देख सकते हो आप निकल गया ये, और हल्का सा घुमा घुमाइए, कुछ तो हुआ नहीं ना, बस फिर गर्म करने का जरूरत नहीं, हल्का सा घुमा दीजिए, हल्का सा निकाल दीजिए, डालेगा मत फंस जाएगा, हाँ गंदे मत डाल मत, ये देख सकते हैं, यस नहीं नहीं वो मोटा चौड़ा ज्यादा है, इसको थोड़ा धो के ला दीजिए, ये आपको क्लीन करके लाएंगे फिर आपको दिखाएंगे, चटक तो नहीं जाएगा, नहीं कुछ नहीं होगा, आप लाइए ना आराम से, कुछ डालिए मत। तो दोस्तों सर से और भी सवाल है, सर एक बात बताइए आप 99 सब्लिमेशन कैसा आए, कैसे आए, बहुत सारे लोगों का YouTube पे वीडियो है, बहुत सारे चैनल्स, और हमारा चैनल में अलग क्या है, पता नहीं मैंने तो देखा वीडियो, नहीं नहीं अभी मार्केट में बहुत सारे लोग है ना, अब मेरा चैनल और मार्केट में जो चैनल है अलग, उसका और हमारा क्या वेरिएशन क्या लग रहा है आपको,
क्या अलग है काम करने के प्रति? काम तो वैसे आपको अच्छा है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। वो तो बाकी ट्राई नहीं किया सर मैंने। हाँ, आप डायरेक्ट आए और डायरेक्ट आए सर को लगभग 3-4 कंपनियों ने तो कॉल किया है, लेकिन सीधा मेरे पास आए और आके मेरे को एक बात बोलते हैं कि मेरे को 3-4 कंपनियों ने कॉल किया लेकिन मैं आपसे ही लूंगा मशीन। देखो एक चीज बताता हूं, हमारा जो सिस्टम है काम करने का, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पहले से सिखा दिया गया है कि आप अगर ये टेप भी बेचोगे ना तो इसको टेप लगाना भी हम सिखाएंगे कि ट्रेनिंग, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग हमारा कोई भी प्रोडक्ट हम सेल नहीं करते हैं। क्यों नहीं सेल करते मैं आपको ये बताता हूं, क्योंकि क्या होता है अगर हम लोग बिना ट्रेनिंग का हम प्रोडक्ट सेल करेंगे ना तो क्या होगा, कस्टमर को क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, सही बात है। और वो जब बंदा आगे क्वालिटी नहीं देगा तो माल बिकेगा। आप अगर ये क्वालिटी नहीं दोगे, ये क्वालिटी, तो आपको माल बिकेगा। अब आप कौन कौन सा प्रोडक्ट पे प्रिंट करना सीख रहे हो? मग पे सीखे हो, टी शर्ट पे, किचन पे हो गया। तो इस वक्त आप देख सकते हो वाटर बॉटल जो है तैयार है और मैं आपको पूरा डिजाइन दिखाऊंगा अभी। वाटर बॉटल का अंदर डालता हूँ इसको और ये इस तरीके से लगाता हूँ, पानी भर के आप पी सकते हो वाटर बॉटल। देख सकते हो ये वाटर बॉटल है। अगर आपका बेटा स्कूल जाता है या आप एक कॉर्पोरेट गिफ्टिंग इंडस्ट्री में है, आप अगर इंटरनेशनल स्कूल्स और इंटरनेशनल स्कूल्स में अगर आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो तो इस वाटर बॉटल के ऊपर यहाँ जो स्पेस है यहाँ आप एक इमेज बच्चा का बना के उनका टोटल डिटेल्स डाल सकते हो और ये प्रिंटिंग गारंटी के साथ आप बेचते हैं, ये लाइफ टाइम रहेगा, निकलेगा नहीं। अब इस वाटर बॉटल का मिनिमम जो ऑर्डर क्वांटिटी ये रहेगा, आपको 36 पीस का मिनिमम ऑर्डर करना पड़ेगा एक साथ। 36 पीस का ऑर्डर जो है एक के साथ हम लेते हैं। तो ये वाटर बॉटल प्रिंटिंग हमने दिखाया, इसी के साथ इस वीडियो में हमने ट्रेनिंग भी दिखाया। प्राइस क्या पूछे? होलसेल प्राइस। इसका होलसेल प्राइस जो है आपको हम वीडियो में नहीं बताते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि जो रिटेल कस्टमर्स हैं उनके लिए दिक्कत होता है। जब आप रिटेल कस्टमर को देते हो कोई प्रोडक्ट तो वहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। कॉस्टिंग हम लोग ऑन वीडियो नहीं बताते, इसका रीजन मैं बता दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कॉस्टिंग वीडियो में बता दो, तो प्रॉब्लम क्या होता है मैं आज आपको बता रहा हूँ। आप कितना पीस लोगे? एक डजन या फिर 6 पीस? तो आगे क्या होगा, जो कस्टमर रिटेल वाला रहेगा वो वीडियो देख के आपके पास आएगा, क्या बोलेगा कि मैंने तो वीडियो में वो दाम देखा, आप तो ज्यादा दाम ले रहे हो, राइट? तो इस कारण से हम लोग वीडियो में नहीं बताते हैं। तो आपको अब जो है वीडियो में बने रहिएगा, पॉज कर दीजिए थोड़ा देर वीडियो। तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया था, वाटर बॉटल और टी शर्ट दोनों प्रिंट करके दिखाएंगे। तो इस वक्त आप देख सकते हो हमने मशीन ऑन कर दिया और टेम्परेचर पूरी तरह से सेट कर दिया है। टेम्परेचर वही 200 हो चुका है और बीप कर रहा है ताकि जो है आप प्रिंट कर लीजिए टी शर्ट बोल के। और उसके बाद हमने जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया वो भी दिखाऊंगा। तो शुभम से बोलूंगा, शुभम एक बार व्यूअर्स को डिज़ाइन दिखा दीजिए। टी शर्ट का जो डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किया ये देख सकते हो, ये डिज़ाइन और बैक वाला, सॉरी लोगो फ्रंट वाला। हाँ, ये दोनों टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करके दिखाइए कैसा है। तो इसके लिए आपको क्या क्या मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले हमने डिज़ाइन यहाँ से बनाया था, देख सकते हो ये भी हमने प्रॉपर, बहुत बढ़िया डिज़ाइन है, इट्स अ वेरी यूनिक डिज़ाइन। क्योंकि इसका जो डिज़ाइन बनाने का आइडिया था ये प्रशांत ने बनाया डिज़ाइन, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। तो इसके लिए टी शर्ट, ये पिंक वाला टी शर्ट है, आप ले सकते हो, ये लीजिए। हाँ टी शर्ट दिखा, देख लो आप लोग, ये देखो ये टी शर्ट। हाँ देख लो। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो में कुछ चेंजेस अगर करना है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके जो छोटे छोटे सुझाव है, सुझाव के चलते हम लोग जो है थोड़ा चेंज कर सके कि अगर कुछ चेंजेस करना है तो। तो ये देखिए ये लोगो है और इसको पॉकेट के ऊपर लगाया जाता है। एक कॉर्पोरेट टी शर्ट प्रिंटिंग किस तरीके से किया जाता है, कभी भी टी शर्ट तो अभी फिलहाल प्लेन है क्योंकि कॉर्पोरेट एक डिफरेंट वर्ल्ड है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई ब्रांड को जो है आप प्रमोट करते हो तो कैसा करना है आप देख सकते हो। यस, सिंपल है, लगाए और ये नीचे टेफ्लॉन शीट ऑलरेडी दिया हुआ है और ऊपर भी हम टेफ्लॉन शीट लगाएंगे। कर दीजिए एकदम,
हाँ तो एक नॉर्मल पेपर देखो वहाँ रखा है, नॉर्मल पेपर वो नहीं है छोटा वाला, और यूज करो बस नॉर्मल पेपर जो है आप देख सकते हो यूज किया जाता है ताकि जो है इसके ऊपर कोई दाग ना हो, कुछ गंदे वगैरह लगे ना, और उसके साथ धूल वगैरह ना लगे। टेफ्लॉन शीट मशीन शीट यूज करना है कभी भी आप अगर टी शर्ट यूज करते हो, प्रिंट करते हो। और टाइमिंग देख सकते हो, टेम्परेचर 200, टाइमिंग कितना है 70 सेकेंड्स। 70 सेकेंड्स तक प्रिंट होते होते मैं आपको कुछ टी शर्ट दिखाऊंगा, आप देख सकते हो ये सब टी शर्ट हमने इससे पहले जो है ऑलरेडी प्रिंट किया है। ये सब कॉटन है, प्योर कॉटन, इसके लिए रोल्स यूज किया जाता है कॉटन टी शर्ट प्रिंटिंग में, आप देख सकते हो। वैरायटीज ऑफ टी शर्ट्स जो है आपको बल्क में मिल जाएगा यहाँ, कॉटन हो, पॉलिस्टर हो, पॉलीकॉटन हो, नाइलॉन हो, सिल्क हो, लाइक्रा हो, कैनवस हो, कोई भी टाइप ऑफ फैब्रिक जो है आपको इजीली मिल जाएगा। इसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा रहेगा, ये लाइफ टाइम रहेगा, ऐसा नहीं है कि आज प्रिंट किया कल निकल जाएगा। ये सब जो है चीज़ों को आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये जब तक आप जानोगे नहीं। यहाँ देखो कलर का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सबसे पहले आपको टी शर्ट का कलर कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा, तब जाके आप टी शर्ट प्रिंटिंग कर पाओगे। देखो कितना प्यारा लग रहा है, देखो आप इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कुछ भी प्रिंट कर देते कोई भी चीज़ के ऊपर, वैसा कलर कॉम्बिनेशन कभी नहीं बनता है। आपको टी शर्ट प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जब आप आते हो तो कलर कॉम्बिनेशन आपको धीरे धीरे सीखना पड़ता है, तो हम ये कलर कॉम्बिनेशन सिखाते हैं। 10 साल का चीज़ आप 1 घंटा या आधा घंटा में नहीं समझ पाओगे। तो इस वक्त देख सकते हो फ्रंट निकालो धीरे से, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये फ्रंट वाला पार्ट जो है प्रिंट हो चुका है लोगों, तो देखो आप ये प्रिंट हो गया। निकाल दिया ना, एक बार टी शर्ट निकाल दिया बाहर, तो बहुत गर्म है इसलिए ना काफ़ी दिक्कत हो रहा है, मेन बहुत ज़्यादा गर्म है, 200 डिग्री समझते हो आप। हाँ ये फ्रंट वाला है, बैक वाला करिए, बैक पे देख सकते हो डिज़ाइन वही है, उसी का बड़ा डिज़ाइन है, और ये बैक पे जो है हम इस तरीके से करेंगे, बैक पे सिंपल लगाना है सिर्फ। और टेप जो है आपको मस्ट एंड शुड यूज़ करना है, ये नॉर्मल टेप नहीं है, आप कोई दूसरा टेप यूज़ कर दोगे तो ये जल जाएगा, पहले बता रहा हूँ। और ये एक्सपीरियंस हो चुका है, इस कारण से हम लोग जो कुछ चीज़ें जो है इजीली कर लेते हो। टेफ्लॉन शीट मस्ट एंड शुड है, और अब जो है फाइनल स्टेज है इसको लॉक करने का, सेम 200 डिग्री 70 सेकेंड। तो 70 सेकेंड वहाँ होगा, तो उस वक्त तक मैं आपको कुछ समझा दूँ। ये गणपति बप्पा जी का जो फोटो है, तस्वीर है भगवान जी का, ये जो है राइनस्टोन है, आप इस राइनस्टोन्स को जो है आप इससे बिजनेस भी कर सकते हो। और ये जो है डॉट नेट है, इसको डॉट नेट बोलते हैं, देख सकते हो आप इससे मल्टीपल, बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है ये वाला। और इसके बाद ये सब जो डिज़ाइन आप देख रहे हो ये नॉर्मल डिज़ाइन नहीं है, इसको बहुत काम किया हुआ है इस डिज़ाइन में, आप देख सकते हो ये सब डिज़ाइन में जो काफ़ी काम हुआ है, तब जाके जो है आपको थोड़ा यूनिक लग रहा है, क्योंकि ये सब कलर कॉम्बिनेशन से ग्रे है। अब हम सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा चेंज करें, और नेक्स्ट वीक से आपको ये भी थोड़ा अलग अलग दिखेगा, इसमें कलर्स कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा। तो ये सब आपको ट्रेनिंग हम देते हैं, और इसके ऊपर हमने क्या भी यूज़ किया ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रिंटर्स यूज़ किया हमने, एप्सन L1800, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टफ जो है विनाइल्स, आप देख सकते हो, देखो आप कितने वेराइटीज ऑफ विनाइल्स है, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोई बिजनेस स्टार्टअप के लिए। और इससे भी इंपॉर्टेंट ये कटर है, ये सब चीज़ आपको लेना पड़ता है, अगर ये नहीं लेते हो तो आप ये क्वालिटी नहीं दे पाओगे कस्टमर्स को। और इस वक्त आप देख सकते हो जो टी शर्ट हमने बोला था वो टी शर्ट जो है प्रिंट हो चुका है पूरी तरीके से प्रिंट हो चुका है टी शर्ट, है ना। तो आप देख सकते हो ये बैक वाला जो है टी शर्ट प्रिंट हो गया है, और आप दिखाइए व्यूअर्स को। हाँ मशीन ऑफ कर देते हैं हम लोग तुरंत, क्योंकि टेम्परेचर देखिए ये कैसा बना, आप लोग प्लीज़ बताइएगा। और ये देखिए आपको क्लोजअप में दिखा रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया बना है ये, बहुत ही ज़बरदस्त। फिर बैक दिखाइए, ये है कॉर्पोरेट टी शर्ट्स, इट्स कॉल्ड कॉर्पोरेट टी शर्ट प्रिंटिंग। अब दिखाइए, उल्टा घुमाइए टी शर्ट को, कॉर्पोरेट टी शर्ट प्रिंटिंग आप सीख सकते हो 99 सब्लिमेशन से। फिर आपके साथ हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, सत्यमेव जयते।